सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए भाइयों और बहनों, आज हम लोग का रिविजन क्लास, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का ये थर्ड रिविजन वीडियो है। मार्जिनल कॉस्टिंग का थर्ड रिविजन वीडियो, नॉट मेन वीडियो, मेन वीडियो तो कब का खत्म, मेन क्लास में भी बहुत समझे थे हम लोग इसका, मार्जिनल कॉस्टिंग का। उसके बाद अभी रिविजन, क्या 20 मार्क्स का चैप्टर है, छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे ना बाबा, ना ना बाबा ना, रात शाम को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिविजन, सुबह में मार्जिन कॉस्टिंग में, और दोपहर में बजट रिविजन। बस समझिए, चलो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देखिए, मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑनलाइन वालों, जो लोग यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन फॉर टू सक्सेसिव ईयर्स आर गिवन बिलो। दो साल का ना बाबू डेटा दिया हुआ है, 2014 और 2015। 2014 में 12,000 यूनिट बेचे थे, 50 रुपया करके बेचे थे, 30 रुपया एवरेज कॉस्ट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? 15 में 15,000 बेचे, 50 रुपया करके बेचे, 28 रुपया एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने भेज दिया था हमको, बस जब से ये चैप्टर पढ़ा है तब से बहुत सारे बच्चों ने भेजा, बोला कि ये वाला रिविजन में कराइएगा। चलो करते हैं। इसमें नया क्या है, देखिए नया ये है कि ये एवरेज कॉस्ट का क्या इस्तेमाल है। अगर एवरेज कॉस्ट नहीं होता तो इस टाइप का सम हम लोग पहले भी कर चुके, लेकिन ये एवरेज कॉस्ट का क्या यूज़ करेंगे, छोड़ देंगे या कुछ करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, वही सीखना है। ये जानने के लिए पूरा क्लास देखना होगा आपको। देखिए कैलकुलेट निकाल के दिखाइए, निकाल के दिखाइए, क्या निकाल के दिखाइए भाई, पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट। पीवी रेशियो भी आप, हाँ, और एक तो इंटरेस्टिंग बात है, फिक्स कॉस्ट कहीं नहीं दिया हुआ, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, दिया हुआ फिक्स कॉस्ट। और पीवी रेशियो निकालिए, ब्रेक इवन सेल्स निकालिए, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 210,000 रुपया कमाने के लिए कितना सेल करना होगा वो निकालिए, सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख बाई सेलिंग 9,000 यूनिट्स। दो डो लिमिटेशन दे दिया कि अगर 9,000 यूनिट बेचेंगे 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट होगा तो बोलो सेलिंग प्राइस कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा अगर प्रॉफिट 30,000 है। क्या कर रहे हो भाई, इतना हार्ड सवाल क्यों दे रहे हो प्लीज़, बट कुछ किया नहीं जा सकता, देखिए करना पड़ेगा, समझ गया ना। तो आपको करना क्या, एग्जाम के लिए कुछ नहीं, क्लास में जितना सम्स कराए वो प्लस रिविजन सम्स, बात समझे ना। और वो जो आपको स्टार्टिंग से बोल रहे 21 से 16 प्रैक्टिस करने के लिए, जितना जो कर लिया 80-90 आपका रखा हुआ है। आइए, मैंने कहा आप लोग घर में नहीं टाइम देते, जो ट्यूशन आप आ रहे हो, जैसे ट्यूशन आप ही आए, आज आप ये अभी ऑफलाइन करके चले गए, तो मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपका ऑफलाइन में रिविजन हो गया। अब हम दोपहर में बजट भेजेंगे 12 बजे तक बजट भेजेंगे, टाइम मिला जैसे वीडियो आया फ्री है बना ली, जब टाइम मिला वीडियो देख लिए कंप्लीट कर लिए। पहले क्वेश्चन भेजते थे ग्रुप में, तो पहले खुद से ट्राई किए, नहीं बना पाए वीडियो से देख लिया, अब खुद से बना लिए तो वीडियो देखने दरकार नहीं, ये भी समझ लीजिए। कल जैसे समझ लेते शाम को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला, अगर आप देखेंगे नहीं तो हम बना लेंगे, या बना हुआ मेरा तो नहीं बनाएंगे, अगर देखेंगे नहीं हमको नहीं आता है तो बना ले रहे वीडियो देख लेंगे, बात समझ। फिर शाम को कल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, वो एक तो बच्चा 19 का ऑनर्स वाला भेजा था बड़ा वाला सम्स, वो भी करेंगे, तो धीरे धीरे होगा बाबू सब कुछ। आइए तो कैसे करेंगे, देखिए तो पहले हम लोग डेटा रेडी कर लेते, क्या रेडी कर लेते बाबू, डेटा। कैमरा चल रहा, देखिए तो बाबू तो पहले हम लोग क्या रेडी कर लेंगे बताइए, डेटा, क्या रेडी करिएगा, डेटा नहीं डेटा, देखिए आ जाओ बातें देखो, टोटल बेटा जतरा ही खराब हो गया, इस समय इसको बाहर फेंक दिए जाओ, कन्फ्यूज हो जा रहे, मागे का खजाना है चिंता क्या कर रहे हो, आओ ना बाबू आइए चले। देखिए तो डेटा है, अब देखिए 2014 का पहले रेडी करते हैं, 2014 क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, पहले टोटल सेल निकाल लेते हैं, टोटल सेल कितना बताइए, तो कितना यूनिट बेचा है, 12,000 यूनिट, कितना रुपये रखिए, 12,000 × 50 बोलो 6 लाख, ये 2016 का सम्स है। हाँ गाइस, अगर जिनको बच्चा को रिवीजन करने में दिक्कत होगा, खोजने में दिक्कत हो, 2016 का सम्स है, स्कैनर में भी आपको मिल जाएगा, ऑनर्स, ऑनर्स 2016 का, ऑनर्स 2016 का ऑनर्स, पसंद है। देखिए इधर आइए, टोटल कॉस्ट, टोटल क्या बाबू, कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट कितना बताइए, कितना पीस है, 12,000, एक पीस का दाम कितना दिया बताइए, 30 रुपया ना जी, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकाल गया, एवरेज कॉस्ट मतलब समझते हो क्या होता है, एक पीस बनाने का खर्चा, तो एक पीस बनाने में अगर 30 रुपया लगता है तो 12,000 पीस बनाने में कितना रुपया लगेगा, लगेगा कितना बताइए, 360,000। अच्छा सेल्स अगर 6 लाख है, कॉस्ट अगर 360,000 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 2,40,000,
2 लाख, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? उसके बाद क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं सर, घर में बैठने दिक्कत शुरू हो जाता है। टोटल सेल, टोटल सेल देखिए, अब टोटल सेल क्या है? 15 का बताइए तो आप लोग खुद से देखिए, 15,000 इंटू को तो आज भाई, और एटा को तो बोलो टोटल कॉस्ट 15 इंटू, ठीक से बोलिए ना प्लीज़, 4 लाख, प्रॉफिट कितना? 3 लाख। अभी हम लोग डेटा रेडी किए, क्या रेडी किए? डेटा। आप समझे एवरेज कॉस्ट वाला समझ रहेगा, क्या करोगे? पहले टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे? टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट माने कि एक्टा पीस है, मतलब एक तो पीस का कितना खर्चा है, एक तो पीस का जो खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे? एवरेज कॉस्ट। दी जाओ दीजिए, हाँ दीजिए दीजिए, हाँ बंद कर दीजिए, हाँ जाइए, देखिए रेडी। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, एवरेज कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकाल लीजिएगा, एक पीस का खर्चा दिया तो टोटल ही निकल जाएगा, बताइए। मैं यूनिट से इंटू करेंगे टोटल आ गया, तो टोटल कॉस्ट हमारा 14 का, 15 का, ठीक है। इसको तारीफ फिर से आगे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक बार में कन्फ्यूज हो गया आप, बस समझिए। अब टैक्स में आप लोग का बैच में शुरू होगा हाउस प्रॉपर्टी का रिविजन, आप लोग का बैच में खाली हाउस प्रॉपर्टी का ही सम्स होगा। खाली प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन वाला लाइन बाय लाइन उधारी, कोई कैलकुलेटर दिए थे शायद आप लोगों में से कोई, नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट लिख के भेजिए, प्ले स्टोर में जाइए, जीके जी आप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, बस और क्या चाहिए जीवन में, ठीक है। नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट लिख के भेजिएगा, प्ले स्टोर में जाइए, जीके जी आप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, ठीक है बाबू। एक्सक्यूज मी, ओके, जब तक हम आपको यहाँ से ऐड नहीं करेंगे ना वहाँ पे वीडियो दिखेगा नहीं, तो लॉगिन करके कोई फायदा नहीं। देख बाबू, आप लोग मेरे से कोई कैलकुलेटर दिए थे, बहुत सुंदर कैलकुलेटर ले लीजिए, नहीं जी पास कर लीजिए सर, बाबू आप लोग घर में पढ़ रहे हो ना बाबू, कोई बोला नहीं, एग्जाम आ रहा है ऐसा मत करिए प्लीज, हम तो एडिट है ऑलरेडी। देखिए अब तो सब कुछ ग्रुप में ही आया था, वे छाप नहीं, अब तो आप देखते होंगे सारा चीज, हाँ चले टैक्स इको ईटीबी कॉस्टिंग, हाँ चल एक मिनट, आप एक तो स्टूडेंट कस्टमर है, आपको हम ऐड कर दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आप खाली टेलीग्राम का लिंक देना दे रहे हैं उसको, उसमें पीडीएफ स्कैनर रोड मैप फॉलो करिएगा, चले क्या? देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स समझे, अच्छा देखो अब आप सोचते होंगे कि इसका भला क्या यूज़ है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत यूज़ है बाबू। देखिए इसके हेल्प से ही हम लोग सम्स बनाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन इसमें हमें, अब आप सम्स खुद भी बना लोगे, हम गाइड करते जाएंगे, तो बात समझे ना, अब दिक्कत नहीं है, वहाँ तक दिक्कत था कि उसको इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज़ द इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ था उसको कैसे यूज़ करेंगे।
तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सेकंड पार्ट में देखिए क्वेश्चन में एक एक करके क्या क्या बोला है निकालने के लिए, एक एक करके हम लोग उसको यूज़ करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। आइए रेडी। देखिए आगे चले क्या, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या निकालने बोला बोलिए। सबसे पहले क्या निकालने बोला बताइए। पीवी रेशियो निकालने बोला। अच्छा सुनो ना, पीवी रेशियो का दूसरा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। पीवी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कभी दे देगा तो आप घबरा मत जाइएगा। पीवी रेशियो और ओनो नाम किया है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। क्या होगा फॉर्मूला बताइए, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? नॉर्मल फॉर्मूला पहले बताइए। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन करते हैं ना जी, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले सर? वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है कंट्रीब्यूशन निकलेगा। तो ऐसा केस में एक तो और फॉर्मूला आपको हम सिखाए थे एक दिन, किसी को याद है बताइए कौन सा फॉर्मूला से पीवी रेशियो निकलेगा? एनी अदर फॉर्मूला बोलो, बोलिए। अब चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। देख लो जीनियस लोग कमी नहीं हम लोग क्लास में। देखिए चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, वो चेंज इन सेल्स। जब दो साल का आपको हम ऐसा सब पहले भी कराए थे जिसमें आपको बताया कि जब दो साल का इन्फॉर्मेशन रहेगा ना बाबू तो ऐसे ही निकालने का, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स। बताइए प्रॉफिट में चेंज कितना हुआ? 330,000 माइनस 240,000 को तो अभी बोलूँ, बोलिए बाबू बोलिए, जयजीत बोलिए कितना होगा? 330,000 माइनस 240,000 90,000। ओके आज सेल्स में कितना चेंज हुआ बाबू? 14-15 डिफरेंस निकाली, कितना रहा बाबू? 1.5 लाख। इंटू नहीं करोगे कुछ, इंटू क्या करोगे? 100। कितना आएगा बोलो? 90/1,50,000 इंटू 100 करिए कितना? 60% पीवी रेशियो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, पीवी रेशियो अगर 60% है, पीवी रेशियो अगर कितना परसेंट है बाबू? 60%। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखिएगा, अगर पीवी रेशियो, इफ पीवी रेशियो इज कितना परसेंट बोलिए, सो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोलिए? अरे वाह कोई बच्चा ही बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट 40%। अगर देखिए पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बताइए? 40%। तो वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लीजिए, अगर पीवी रेशियो 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बताइए? 40%। तो इसका मतलब सेल्स वैल्यू का 40% होगा वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना वैल्यू कितना दिया हुआ है एक पीस का? 50। 50 का 40% कितना होगा बताइए? 5 का 20। 20 रुपया वेरिएबल कॉस्ट। 20 रुपया कौन सा कॉस्ट बताइए? वेरिएबल। उतारिए, बहुत लेंदी सवाल है, तभी फिर फिक्स कॉस्ट निकालना होगा। इसका उतना आइडिया नहीं बाबू, ईवीएस का हमको उतना नॉलेज नहीं, पानी तालाब मछली ये सब नॉलेज नहीं। कर दिया बाबू ऐड, आप जाके देखो ऑल कंटेंट में अब दिख रहा होगा, जाके देखो। सेटअप जो है ना तार वाला, जब देखिए अब हो गया क्या बता लीजिए, हो गया अब
आप समझे कैसे निकालिएगा, जब ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है 2 साल का दिया हुआ तो ये फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। और देखिए अगर पीवी रेशियो 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40%, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 40%, तो 50 रुपये का 40% वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया 20। अभी हम लोग फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। और क्या निकालने बोला देखिए, क्वेश्चन पहला पार्ट में क्या क्या निकालने बोला, पीवी रेशियो एंड फिक्स कॉस्ट। पीवी रेशियो की बोलो तो देखिए फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन है ना, सॉरी कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन। अच्छा देखिए कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है। तो अगर अगर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट। बात समझे ना, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करते हैं, चार या सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता है तो क्या आता है, प्रॉफिट। देखिए चार्ट ऐसे बनता है, इनकम चार्ट ऐसा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। अब आप बैक जाइए, अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट नहीं आ जाएगा जी, बोलिए हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं बोलो। अब आइए 2014 का और 2000 किसका बाबू 15 का देखते हैं, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वैसे दोनों में सेम ही होगा, निकाल के देखते हैं मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए। कंट्रीब्यूशन बोले कितना कितना होगा, फिक्स कॉस्ट तो ऐसे भी, कंट्रीब्यूशन कितना है बताइए, कितना यूनिट भेजे थे, 12 लाख यूनिट भेजे थे, 12,000 यूनिट, और अच्छा 12,000 यूनिट बेचे थे हम लोग, तो 12,000 यूनिट इंटू सेल्स, देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे अभी तो झमेला है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस, एक तरीका तो आपके पास ये है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लीजिए। और स्मार्टली अगर खेलना चाहते हो, कैसे खेलना चाहते हो स्मार्टली, अरे स्मार्टली खेलने का शौक है तो सेल्स इंटू पी वी रेशियो मार दो, कोई दिक्कत, बोलिए सेल्स माइनस पी वी रेशियो मार दीजिए, कोई दिक्कत, फॉर्मूला को एक स्टेप और एक्सटेंड कर दीजिए। अगर एकदम लोकल तरीका से निकालना है, सस्ता तरीका है, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, भाव इधर से आपको दिखता नहीं होगा कुछ, इधर से ऐसा खाली है, हाँ तो इधर चला, ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करिए तो कंट्रीब्यूशन आएगा। एक तरीका से वैसे भी निकाल सकते हो, नहीं आपको अगर स्मार्टली खेलना है, फास्ट खेलना है, तो सेल्स इंटू पी वी रेशियो, सेल्स कितना दिया हुआ बताइए, सेल्स निकाले थे ना ऊपर में बाबू 6 लाख, राइट, 6 लाख का पी वी रेशियो कितना परसेंट था, 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पी वी रेशियो 60 था ना जी। अब प्रॉफिट कितना था पहला 2014 का, प्रॉफिट कितना था 2,40,000, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 लाख का 60% 3,60,000, 2,40,000, आंसर कितना आएगा बताइए, 1,20,000। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होगा, तो इसीलिए 15 में नहीं भी निकालेंगे चलेगा, बट आपको निकाल के दिखाते हैं कि फॉर्मूला से 15 में भी सेम आएगा। देखिए आइए 2015 बताइए, तो 15 का सेल्स 7,00,000, 60% अच्छा 7 माइनस कितना बोलिए था, प्रॉफिट कितना था 3,30,000, 3,30,000 निकाले थे ना प्रॉफिट, 7,50,000 का 60% बोलिए कितना आएगा, 4,50,000 माइनस 3,30,000, फाइनल आंसर बोलो, 1,20,000, देखो 1,20,000 आया, उतारिए, फिक्स कॉस्ट भी आ गया पहला, अभी तक एक ही पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट ही निकला, अभी तो 4 पार्ट बाकी है। हम आपको रिविजन में ऐसे ऐसा समझ करा ना, बस हो गया, अब ज़्यादा समझ नहीं करना होगा इसमें, एक दिन और करेंगे बस, मार्जिनल कॉस्टिंग खत्म, उसका कभी पलट के देखेंगे नहीं इसको। लाइन में लाओ, लाइन में लाइन करा, जैसे जैसे सम्स देख रहे प्रायोरिटी के ज़्यादा इसमें किए ना, वैसे उसमें भी देख देख लीजिए, ठीक पहले 2019 देखेंगे उसके 2018 करेंगे, मटेरियल और लेबर एक साथ देंगे ना, वो मिक्स वाला है, समझे, वो बैच में खाली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगा, आप लोग में खाली मार्जिनल कॉस्टिंग होगा, दोबारा में खाली बजट, मार बजट, मार बजट पगला कर दीजिए, और उसके बाद आप लोग परसों से हाउस प्रॉपर्टी खा, मार हाउस प्रॉपर्टी खाली, खाली हाउस प्रॉपर्टी टैक्स में, देख हट जाए, ओके ओके ठीक,
अब देखिए तो आप एक बार, अब देखिए ना प्लीज, बाबा हो गया। देखिए आराम से देखिए बाबू, ये वाला पार्ट भी हो गया। दूसरा पार्ट में क्या निकालने बोला देखिए, बोला ब्रेक इवन सेल निकालो। तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकालने बोला, यूनिट्स में बोला या वैल्यू में बोला, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया। बात तो समझिए, बोला है क्या यूनिट्स में कि वैल्यू में, खाली बोला सेल्स निकालो। किस में निकालने बोला ऐसा तो बोला नहीं, यूनिट्स में या वैल्यू में। देखिए जब कुछ भी नहीं बोला रहेगा तो आप किसी में भी निकाल सकते हो, जिसका डेटा अवेलेबल रहेगा उसमें निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला ब्रेक इवन सेल निकालिए वैल्यू में या यूनिट्स में। अब देखो दोनों मत निकालने लग जाएगा, बेसिस याना एग्जाम में बनना नहीं है, बस समझे, उतना टाइम नहीं ना रहता है। तो ब्रेक इवन सेल आपको बोला है वैल्यू में निकालने, किसमें निकाले बाबू, वैल्यू या यूनिट्स, आप ही लोग बता दो ना दोनों में से किस में निकाले, वैल्यू में ही निकाल। वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला बताइए, फिक्स कॉस्ट कितना आया बाबू, अब पी वी रेशियो, आंसर ठीक से करिए, 1,20,000 / 60% करिए कितना, 2,00,000। ओके दो पार्ट कंप्लीट। अब दिक्कत नहीं है, अब तो सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया ना, आप खाली बैठाना है, आंसर लाना है। इसमें बहुत वैरायटीज है, एक ही में दिमाग बहुत लगाना पड़ता है इसमें। हाँ टफ नहीं, इतना कराए ना बहुत कम कराए, मेन क्लास में ही 17-18 सम्स किए हम लोग, उसके एग्जाम लिए उसमें भी सम्स किए 3-4, फिर अभी भी कर रहे सम्स। इस बार टाइम ज़्यादा मिल गया पढ़ने के लिए। हाँ इस जब से अब लोग 4 सेमेस्टर से हो, ये पहली बार इतना टाइम मिला पढ़ने के लिए। इस बार हम लोग क्लास भी एकदम वैलेंटाइन डे का दिन स्टार्ट किए थे। हाँ सिलेबस तो कंप्लीट है, चाप नहीं है, इकोनॉमिक्स में भी तो रिवीजन करा दिए, इतना ADB में भी रिवीजन करा दिए, पहली बार हम रिवीजन करा पा रहे इतना टाइम मिले बस। बट अच्छा है देखिए, 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर बड़ा सेमेस्टर है, इस सब सेमेस्टर में जितना आप पढ़िएगा ना उतना आपको कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे दिन भी देगा, जैसे जैसे आप रिवीजन वीडियोज देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, चलो एग्जाम दे पाएंगे बस। मैंने तो फिर डाउट थोड़ा बहुत रह जाता है, बच्चा लोग करे क्या आगे। तीसरा में आओ ना प्लीज, सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2,10,000 राइट, कोई बताओगे ये इसमें कौन सा फॉर्मूला हिट करेंगे, तो आपको बोलना होगा
सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2,10,000। एनी वन हु वॉन्ट्स टू ट्राई कि कौन सा फॉर्मूला हिट करेंगे, हम लिखते हैं, पहले लिखिए सेल्स टू अर्न प्रॉफिट, देख के मत बोलो ना प्लीज, पलट क्यों रहे हो, गलत कर रहे हो आप, धोखा दे रहे हो आप उनको। 2,10,000 बोलो, कौन बोलोगे, ट्राई करो सेल्स टू अर्न प्रॉफिट 2,10,000 कौन सा फॉर्मूला हिट करने से सही रहेगा, बोलिए, किसी को याद नहीं इतना बड़ा बैच में, जा बाबा बोलिए, सब खाली इधर देख रहे हो, बोलिए बोलिए, ठीक बोल रहे आप, बोलिए, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, फिक्स कॉस्ट, ऐसा बोले तो शर्मा ही जाएगा, इनसे बोले वो नहीं करेगा, फिक्स बहुत बढ़िया बोले, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट समझिए ना जितना चाहिए, डिवाइडेड बाय पीवी, पीवी पीवी फिक्स कॉस्ट कितना है जी, 1,20,000, अब प्रॉफिट कितना है, 2,10,000, डिजायर्ड प्रॉफिट ये ना बाबू, अब पीवी रेशियो जोड़ के बाद 3,30,000 बाय 60% मारो, 5,50,000, ये तो जल्दी बोल दीजिएगा बा, आप तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला याद नहीं होता, बन गया तो अब सम्स में दम नहीं है, जो झमेला था स्टार्टिंग में ही था, अच्छा तो बता लीजिए फिर बताते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा बात समझे, बाकी और तो कुछ गलत लगने लायक इसमें नज़र नहीं आ रहा, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक करिए, करे बाबू देखो और क्या बोला है क्वेश्चन में, अच्छा एक बात बताइए बाद में बाबू, देखिए यही हो गया यहाँ तक 5,50,000, और एक केस क्या, अभी 2 केसेस और बाकी है, कितना केसेस हुए, 3 केसेस हुए, चौथा बोला सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट 1,50,000 बाय सेलिंग 9,000 यूनिट्स, बोला सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट कितना बाबू, 1,50,000 एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कितना बोला बताइए, बाई सेलिंग 9,000 यूनिट्स, मतलब 9,000 यूनिट को बेच करके सेलिंग बेचिंग क्या बोला भाई, देखने देखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 बाई सेलिंग 9,000 यूनिट्स, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा इफ़ यू वॉन्ट्स टू सेल 9,000 यूनिट्स एंड अर्न द प्रॉफिट कितना बाबू, 1,50,000, अच्छा भाग इंटरेस्टिंग, दो केस मिक्स कर दिया, बोला कितना होगा सेलिंग प्राइस अगर अगर आप प्रॉफिट कितना करना चाहते हैं बोलिए, 1,50,000, और सेल कितना करना, ये सेल यूनिट्स कितना होना चाहिए, यूनिट्स प्रॉफिट, यूनिट्स प्रॉफिट क्या करें बाबा, इस एक तो मॉडिफाइड फॉर्मूला बना दे रहे आपको, देखिए कैसे ऐसा केसेस में क्या करिएगा, डायरेक्ट जब भी ऐसा केसेस आया हम खाली फॉर्मूला फॉर्मूला, देखिए क्या सीन क्या है, सेल्स सॉरी क्वेश्चन पहले सीनेरियो लिख लीजिएगा अच्छे से, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ क्या बाबू, इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ प्रॉफिट कितना बाबू, 1,50,000 और एंड यूनिट्स कितना बोलिए, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाने से ना आप दिमाग लगा के बहुत तरीका से बन सकता है ये, बट सबसे सिंपल है साधारण खेलना, साधारण कैसे खेलोगे, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सिंपल साधारण टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, और टोटल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, टीएफसी प्लस टीवीसी, टीएफसी माने की फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है तो फिक्स थाकबे, टीवीसी माने की वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, और प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट तो फिक्स कॉस्ट कितना, 1,20,000, कुछ भी बेचोगे फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं ना होगा बाबू, फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, बोलो
फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा। 9000 यूनिट बेचोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपया था एक पीस का बताओ, 20 रुपया ना, वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगा, बोलो हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, बोलिए बोलिए ना जी, बोलिए हाँ। और प्रॉफिट कितना बताइए, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई कितना यूनिट्स, 9000 यूनिट्स। एक पीस का सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए। अच्छा एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते, देखिए इसको अगर आप नहीं समझे, जिसको लोकल में लीजिए, हल्का में लीजिए, हल्का में कैसे लेंगे, कोई भी सामान का सेलिंग प्राइस, अच्छा हमको मान लीजिए 5000 रुपये का सामान बेचे, ठीक है, और हम 500 पीस बेचे, एक पीस का दाम कितना होगा, 10, हाँ कि नहीं, मैंने सेलिंग प्राइस पर यूनिट का बेर खोदते आप सेल्स को वैल्यू को, सेल्स वैल्यू को यूनिट से डिवाइड करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा ना, सेल्स वैल्यू को यूनिट से डिवाइड करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा ना। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस। आपको अगर ये लग रहा कि ये क्या है तो कुछ नहीं है बाबा, ये तो सेल्स है, सेल्स कैसे बोलिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, माने कि सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सेलिंग प्राइस आएगा। कोई दिक्कत है बोलो, कितना आएगा बोलिए, थोड़ा जोड़ के बोलिए ना, 1,20,000 प्लस 1,80,000, 3 लाख प्लस 1.5 लाख, 4,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9,000 कितना आएगा बताइए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 50 आएगा, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 9,000। अगर आपको लगता है कि ये क्या है तो कुछ नहीं है, सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स माने कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट माने कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, बोलो हाँ कि नहीं, छापिए छापिए ना। देखिए तीनों तीन सम्स कराए, तीनों सम्स मिलाइएगा घर में आकर के, तीनों सम्स ए भी सम्स था, कोई भी सम्स किसी से कम नहीं था। हाँ एक पार्ट और है, कहीं जा रहे हो क्या ऑफिस, ऑफिस जा रहे हो क्या, फुल फॉर्म में कहीं जा रहे क्या ऑफिस, सिर्फ फॉर्मल मार के पार्क, बैंक जॉब कर रहे बैंक में क्या, इंटर्नशिप कैनरा बैंक वाला जिसे नाश्ता सा देता है, हाँ पैसे तो देगा, सही है अपना लाइट में लगे हुए, चलिए नेक्स्ट करें क्या, चलिए लास्ट देखिए लास्ट में क्या बोला है, क्या निकालने बोला बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुनो ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, तो सेल्स कितना है देखिए। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, बट यहाँ पे तो दो अलग अलग साल का डेटा दिया हुआ है, बस समझे आप इसमें कुछ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों बोलिए, जैसे आप सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल करके निकालते, कब निकालते, जब कोई एक तो स्टैंडर्ड डेटा दिया रहता, कोई एक तो चीज़ निकालने के लिए बोलता, यहाँ पे चार अलग अलग केसेस में तो अलग अलग सेल आया, देखिए अलग अलग केसेस में अलग अलग सेल लिए हो, अलग अलग प्रॉफिट लिए हो, अलग अलग ईयर का डेटा है, तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, सम्स को छोड़ देंगे क्या, ऐसा केसेस में एक तो शॉर्टकट फार्मूला, समझे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट बाय क्या बाबू, पीवी रेशियो,
प्रॉफिट कितना आया था बताइए कोई भी एक लेवल में। अच्छा देखिए प्रॉफिट तो बोल दिया है ना, प्रॉफिट 30,000 यहाँ पे डेटा दे दिया है, प्रॉफिट कितना हज़ार बताइए 30,000 भाई। पीवी रेशियो कितना 60%। आंसर बोलिए 30,000 बाई 60% बोलिए जी कितना है। बन गया सांस। देखिए बात समझिए, सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल तब ना करते जब एक तो सेल रहता, एक तो इन्फॉर्मेशन रहता, 10 तो इन्फॉर्मेशन ही है। आप क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि प्रॉफिट अगर 30,000 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, चिपका दीजिएगा। देख रहे हो ना उतारी, बहुत अच्छा सम्स था, बहुत मन खुश हो गया सम्स बना के। आप लोग को भी अच्छा देखिए, जब सम्स में एक ही चीज़ सीख रहे तो भी मज़ा नहीं है ना, आगे लगना चाहिए वो कुछ नया सीख के जा रहे हो।